गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YMCC हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड का प्रकोप हर जगह फैल चुका है। मैंने यह महसूस किया है कि लोग बाग बहुत ही पैनिक में आ गए हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है, जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है तो लोग बाग अपना धैर्य खो देते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती और इससे उनकी कार्यशैली पर प्रभाव पड़ता है। उनको सबसे ज़्यादा सही या गलत निर्णय में लेने में दिक्कत आती है। देखिए दोस्तों, ये समय जो है ये धैर्य खोने का नहीं है, अपनी हिम्मत और जोश को कायम रखें, तभी हम इस कोविड रूपी जो दानव है, जो महामारी है, इस पे हम काबू पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज आपसे एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारी हिस्ट्री में एक मिसाल है कि कैसे लोगों ने विपत्ति में अपना धैर्य नहीं खोया। चाहे उनकी जान चली गई, बट वो अपने धर्म से, अपने सच्चे रास्ते से पीछे नहीं हटे। देखिए दोस्तों, आपको जैसे अगर इतिहास के पन्ने खोलें तो आप महसूस करेंगे कि 17 से 18 शताब्दी में मुगल साम्राज्य जो था वो अपनी चरम सीमा पर होता था। कोई भी व्यक्ति कोई उनकी खिलाफत करता था तो उसकी मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। तो ये बहुत ही भयावह दौर था हिंदुस्तान के इतिहास में। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके साथ लोहे से लोहा लिया, वो अपने सच्चे पद से नहीं हटे और अपने यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया। चमकौर की लड़ाई के बाद जब उनके दो बड़े साहबजादे शहीद हो गए और उनके दो छोटे साहबजादों को सरहिंद में बंदी बना लिया गया, माता गुजरी को भी बंदी बना लिया गया, तो वहाँ का जो फौजदार था वज़ीर खान, तो उसने उनको इस्लाम धर्म अपनाने की कोशिश करी। बट आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दो जो छोटे साहबजादे थे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, आप सुनकर हैरान होंगे कि उनकी उम्र महज 5 से 6 साल की थी। और आप उनकी हिम्मत और उनका जोश देखिए कि वो अपने पद से नहीं डरे और उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया। इतना इतना यत्न सहने के बावजूद भी वो अपने धर्म पे अडिग रहे। दोस्तों, ऐसा ही जज्बा हम में होना चाहिए। जो कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी विपत्ति बड़ी से बड़ी हो जाए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है, जोश और हिम्मत को अपना साथी बनाना है, तभी हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो में मैं यही संदेश देने की कोशिश करूंगा कि भाई, हमने इस कोरोना से हारना नहीं है। आइए दोस्तों, आप मेरे साथ ये उच्चारिए कि मैं घोषणा करता हूँ, ए कोरोना, मैं तुझे हरा के ही दम लूँगा, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं मास्क पहनूँगा, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं भीड़ भाड़े वाली जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं बार बार हाथ धोऊंगा, मैं प्रण लेता हूँ कि जब मेरी वैक्सीन लगवाने की बारी आएगी तो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लूँगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस अपनी घोषणा को और अगर अपने प्रण को फॉलो करेंगे तो मेरे को पूरी आस है कि हम इस कोरोना को मात दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। अपने जोश को, हिम्मत को बनाए रखें और हम मानव जाति इस कोरोना को हरा कर ही दम लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।